हरमन, आपने ये वाला मैच जो है अपने नाम किया, वहाँ पे जाके जीता, कैसा रहा था ये मैच? टफ था या इजी विन थी? फॉर मी बहुत इजी था, एंड इजी नहीं होता, बेसिकली इजी बनाना पड़ता है अलॉट ऑफ एनर्जी के साथ, अलॉट ऑफ हार्ड वर्क के साथ. सो आई जस्ट डिड द फ्लैश पिन. तो फ्लैश पिन के बारे में अपना थोड़ा बताएं, कैसे क्या हुआ था? फ्लैश पिन मतलब रेफरी ग्रिप थी. एज यू नो अभी रेफरी ग्रिप स्टार्ट है, अभी नेचुरल ग्रिप नहीं मिलती, तो रेफरी ग्रिप में मेरे को ग्रिप थोड़ा नीचे भी मिला जो मुझे कंफर्टेबल नहीं भी था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई नो प्रॉब्लम, तो जस्ट इट वाज अ फ्लैश पिन लाइक अ फ्लैश. और आपने ये भी सोचा कि अब चैलेंज राउंड इनको देते हैं और चैलेंज राउंड में कुछ पॉइंट्स अपने टीम के लिए हासिल करते हैं, ये मानसिकता थी? यस 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 यस. एंड जब मैंने फर्स्ट पिन किया तो हमने प्लान बनाना शुरू किया कि आई थिंक वी शुड टेक चैलेंज. सेकंड बाउट में भी मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन मैंने कहा एक बार दो बार लगा लेता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस हिसाब से. लेकिन थर्ड में तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि आई शुड टेक, एंड मैंने लिया और मैंने जीता भी. आपने पिछले टाइम ने व्यूअर्स के लिए एक मैसेज बोला था कि हरमन विल बी बैक, एंड नाउ यू आर बैक, सो एनी मैसेज अगेन फॉर योर फैन? स्टे ट्यून्ड, और एनर्जी के साथ आऊंगा, और एंटरटेनिंग, एंड और जत्थे से जीतूंगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू हरमन जी.